मॉर्निंग जी, क्या हालचाल आप लोगे? और जेएनयू एंट्रेंस की तैयारी कैसे दिया भाई? आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ। चलो फिलहाल तो कुछ जेएनयू के सवालों को सॉल्व करते हैं। जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे फाउंडेशन टेस्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी और साथ में ज्ञान भी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, द बॉन्ड बिटवीन अ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉइटी, और वो भी फॉस्फोलिपिड के अंदर, हम इस बॉन्ड को बोलते क्या है? भाई फैटी एसिड के अंदर आर सी ओ ओ एच ग्रुप होता है, जबकि ग्लिसरॉल के अंदर पाया जाता है ओ एच ग्रुप। और जब कभी सी ओ एच ग्रुप ओ एच ग्रुप के साथ जुड़ करके फॉस्फोलिपिड जैसे मॉलिक्यूल तैयार करते हैं तो अक्सर ये बॉन्ड एस्टर बॉन्ड होता है। हालांकि ज्यादातर लिपिड्स के अंदर हमें एस्टर बॉन्ड ही देखने को मिलता है, चाहे हम यूकैरियोट्स की बात करें या फिर यू बैक्टीरिया की। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्कियोबैक्टीरिया की, तो आर्कियोबैक्टीरिया में इस बॉन्ड की जगह पर ईथर बॉन्ड भी मिल सकते हैं, जहां एस्टर बॉन्ड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन जुड़ा हुआ है अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ। तो वहीं पर जो ईथर बॉन्ड होता है वो एक आर ओ आर टाइप का बॉन्ड है। जब भी कभी हम लोग फैटी एसिड्स पढ़ते हैं, लिपिड्स पढ़ते हैं, तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है कि भाई बॉन्ड कैसा है। तो आंसर था इसका बी, बॉन्ड तो फेविकोल का भी देखा है हमने, और बॉन्ड हमने अपनी लाइफ में और बायोलॉजी में बहुत तरह के पढ़े हैं। कुछ बड़े स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं जैसे कोवलेंट बॉन्ड, तो कुछ बॉन्ड बड़े वीक होते हैं, हाइड्रोजन आयोनिक वंडरवाल हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। कमजोर बॉन्ड को कम नहीं मानना चाहिए, जब वो मिलजुल के काम करते हैं तो बड़े ताकतवर होते हैं, और हमारी बायोलॉजी के ज्यादातर मॉलिक्यूल, चाहे प्रोटीन की फोल्डिंग हो, डीएनए का डबल स्ट्रक्चर हो, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स पर टिका हुआ है। बॉन्ड्स तो दोस्ती के भी होते हैं, बड़े अनयूजुअल से कई बार। खैर क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड नेट चार्ज दिखाएगा पीएस 7 पर? बट जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो यहाँ एक बीच वाले कार्बन पर, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, एक है सीओएच ग्रुप उसके ऊपर, और एक होता है एनएच2 ग्रुप, साथ में एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप। ये एक टिपिकल जनरल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को आयनाइज कर दूं तो आयनाइज वाली कंडीशन में, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक पीएच पर, एनएच2 बन जाता है एनएच3 पॉजिटिव, और सी अल्फा तो सी अल्फा रहेगा, लेकिन सी ओ एच बन जाता है सी ओ नेगेटिव। अगर इस कंडीशन में बात करें तो अमीनो एसिड का नेट चार्ज 0 है, क्योंकि यहां पर एक प्लस है एक माइनस का, तो एक प्लस एक माइनस 0 हो गए और ये ज्यूट्रायन बन गया। लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनके आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर अमीनो ग्रुप होते हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं। अब अगर कोई अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें आर ग्रुप आयोनाइजेबल है तो उसका नेट चार्ज उसके आर ग्रुप पर डिपेंड होकर के नेगेटिव या पॉजिटिव दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो एस्पार्टिक एसिड में जहां NH2 ग्रुप है, COH ग्रुप है, तो उसके आर ग्रुप के अंदर भी एक COH ग्रुप अवेलेबल है। साइटोप्लाज्मिक पीएच पर NH2 तो NH3 बन जाएगा प्लस, COH CO नेगेटिव बन जाएगा नेगेटिव, और ये आर ग्रुप भी नेगेटिव बन जाएगा। तो इस टाइम जो नेट चार्ज है वो माइनस के 2 प्लस का 1, मतलब कुल मिलाकर के माइनस का 1 चार्ज। कुल मिलाकर के 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके साइड ग्रुप में ये एबिलिटी है कि वो आयनाइज हो सकते हैं साइटोप्लाज्मिक पीएच पर, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इन्हें हम लोग एस्पार्टेट और ग्लूटामेट भी कहते हैं आयनिक फॉर्म में, लाइसिन, हिस्टिडिन और आर्जिनिन। अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स हैं? आर ग्रुप मतलब जो ये साइड चेन निकली हुई है बाहर, भाई बाकी सब बातें तो सबके पास कॉमन है। ये स्ट्रक्चर तो सभी अमीनो एसिड में कॉमन है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जो डिफरेंट होता है वो केवल उसके आर ग्रुप के बेस पर होता है, और वही आर ग्रुप की प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि वो नॉन पोलर होगा, पॉजिटिव होगा, पोलर होगा या नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये बीयर लैम्बर्ट लॉ है, और जब हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसी लॉ की हेल्प से हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई मॉलिक्यूल कितनी मात्रा में है हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा है इसका, log 10 I0 / I, जिसे हम लोग एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, और ELC या एप्सिलॉन LC, जहां एप्सिलॉन का मतलब होता है कि भाई
कितना उसका मोलर एक्सटेंशन कॉफिशेंट है, एल क्यूबिट की लेंथ कितनी है, और सी कंसंट्रेशन कितनी है उस मॉलिक्यूल की। तो अगर मुझे एब्जॉर्बेंस पता है, मुझे मोलर एक्सटेंशन कॉफिशेंट पता है, क्यूबिट की लेंथ पता है, तो मैं मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। अब जैसे डीएनए के मॉलिक्यूल को ले लो, डीएनए का मॉलिक्यूल 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो किसी सॉल्यूशन में कितना डीएनए है हम एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन भी। अब क्योंकि यहां फार्मूले में ईएलसी या एप्सिलॉन एलसी कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है ना बटावटा करके कि अपॉन स्टेट है ये सीधा, तो यानी कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली कोरिलेट करती है मॉलिक्यूलर एक्सटेंशन कॉफिशेंट को, डायरेक्टली कोरिलेट करती है लेंथ ऑफ द क्यूबिट को, और ये डायरेक्टली कोरिलेट करती है कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल को। ऑप्शन नंबर ए है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ कंपाउंड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ इट्स कंसंट्रेशन एट द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूबिट, जो कि हमारे हिसाब से आंसर ठीक भी है। एब्जॉर्बेंस ऑफ कंपाउंड इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूबिट। तो ऐसे केस में तो एब्जॉर्बेंस के लिए जो फार्मूला होना चाहिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी मतलब सी ऊपर होना चाहिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली कहानी मतलब पाथ लेंथ वो नीचे होनी चाहिए। फार्मूला ऐसा नहीं है, फार्मूला है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी, और ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कई बार कैलकुलेशन करने के लिए भी। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि बाकी सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रखी है, जबकि यहाँ इनवर्ट्स की तो कहानी है ही नहीं, जो भी स्टोरी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर चार, विच द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। ये भी एक बॉन्डिंग का सवाल है, बट बॉन्डिंग क्या ये सीन याद है आपको? यह कुछ लोग थे मुन्ना भाई एमबीबीएस, इसे मुन्ना भाई का रिलेशन खास तौर से स्वामी के साथ, क्या ये बॉन्डिंग बैलेंस थी या इम्बैलेंस थी? हम जानते थे कि दोनों में कुछ खूबियां थी, लेकिन एक दबंग था और एक दब्बू था। ऐसे ही जब कभी कुछ एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां भी ये बात देखने को मिलती है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मान लीजिए ऑक्सीजन आपका मुन्ना भाई है और एच जो है स्वामी है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो बैलेंस नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव। जब भी कभी किन्हीं ग्रुप्स में ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो हम कहेंगे ये पोलर बॉन्ड है, और ऐसे केस में अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्ड करना चाहोगे वहां कम से कम एक ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो डिससेटिस्फाइड हो। देखिए वाटर के अंदर OH है और इसीलिए इस OH में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड करने की एबिलिटी है। ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज में भी OH होता है, वाटर का OH ऑक्टेनॉल के OH से इंटरेक्ट कर सकता है। वाटर और ऑक्टेन, ऑक्टेन की कहानी अलग है, ऑक्टेन में केवल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और यहाँ ये डिसबैलेंस नहीं है। ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के जहाँ मुझे पार्शियल चार्ज देखने को नहीं मिलता, यानी कि सही मायने में चार्ज के मामले में कार्बन के ऊपर भी जीरो और कार्बन के ऊपर भी जीरो, CH बॉन्ड में भी दोनों के ऊपर जीरो जीरो, और जब पार्शियलिटी डिससेटिस्फेक्शन अवेलेबल नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के रूप में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरा ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में एक कम से कम पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी के मोलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। वाटर और ऑक्टाइल ग्लूकोसाइड, नाम बता रहा है ग्लूकोसाइड है तो भाई OH बॉन्ड भी होंगे इसके अंदर, जैसे कि ये मॉलिक्यूल, और इसके OH भी पानी के मॉलिक्यूल से बड़े आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड करके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, जहां बेस पेयरिंग की बात करते हो आप, प्रोटीन की फोल्डिंग की बात करते हो, तो सेल सेल इंटरेक्शन में भी ये सब चीजें काम आती हैं। एंजाइम सब्सट्रेट का इंटरेक्शन, एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में से बड़ा खास बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप लिए हुए है? सेकेंडरी अमीन उन्हें कहते हैं जिनमें जो नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं उस नाइट्रोजन के पास कम से कम दो कार्बन और सेटिस्फाइड हो उसकी वैलेंसी के द्वारा। भाई हम जानते हैं कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है, अगर इन तीन बॉन्ड में से दो पर दो कार्बन लगे हुए हैं या कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स तो आप उसे सेकेंडरी बोलोगे।
तीसरे पर हाइड्रोजन हो, और अगर एक ही नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड्स में से एक ही बॉन्ड पर कार्बन हो बाकी पर हाइड्रोजन्स लगे हों तो आप उसे बोलोगे प्राइमरी। और अगर मैं कहूं कि तीनों ही जगह पर मुझे कार्बन कार्बन दिखाई दे रहा है तो उसे बोलेंगे टर्शियरी। सिमिलरली कुछ केस में क्वार्टनरी की बात करते हैं, बट चलो हम सेकेंडरी की टिके रहते हैं। अब जितने भी अमीनो एसिड थे, लाइसिन, प्रोलिन, एलानिन और वैलिन, इनमें से प्रोलिन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका सी अल्फा पर लगा हुआ जो NH2 है और जो फिर इसकी साइड चेन है, ये साइड चेन घूम करके इसी जगह जुड़ जाती है। तो जो ये नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन पर इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, सिंगल बॉन्ड ही, डबल बॉन्ड मत समझ लेना, लेकिन ये नाइट्रोजन एक सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल बन गया और इसलिए आंसर है आपका बी, प्रोलिन। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमेशा तैयारी शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट होनी चाहिए। iFly के साथ आप ऐसे ही तैयारी अपने घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन हाई क्वालिटी लेक्चर्स के द्वारा। टाइम तुम्हारा, सुविधा तुम्हारी, आफ्टर ऑल एग्जाम भी तो तुम्हारा ही है। iFly के साथ आप MSc एंट्रेंस जैसे कि JNU का एंट्रेंस एग्जाम या फिर IIT के जैन और MSc के बाद वाले एग्जाम जैसे कि NET, GATE, ARS, ICMR, DBT और सेलेक्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। iFly की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ, अपने दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को, और अब JNU के एग्जाम की तैयारी के लिए हाथ धो के एग्जाम के पीछे पड़ जाओ ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सको और JNU में एंट्रेंस पा सको। चलिए फिर, बाय बाय।